तो देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। काहे का अच्छा है, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। देखिए, करना क्या है, स्टार्ट कैसे करें, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं प्रूफ क्या करना है ना। अपने टारगेट पे ध्यान रखें, है ना। सर्जिकल स्ट्राइक करनी है एक तरह से। क्या है, 1 + a² + b² का क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या हुआ, ऐसी ही तीन ब्रैकेट हैं, 1 + a² + b² है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात है, लेकिन हर ब्रैकेट को हमें लाना है, ठीक है। तो देखिए, 1 + a² + b² आए, ये तब आएगा जब हर जगह 1 + a² + b² कुछ होता है, ऐड वैड करते, कुछ कुछ है, कुछ गायब है। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट को हम कन्वर्ट करने वाले हैं कहाँ पे, इस डिटर्मिनेंट में। दैट कुड बी कन्वर्टेड एज ए, सेपरेट कर दे रहे हैं, दिस डिटर्मिनेंट कन्वर्टेड एज ए, ऊपर आपका हो जाएगा 1 + a² - b² और यहां हो जाएगा आपका 2b² और यहां हो जाएगा -2b², ठीक है। उसके बाद यहां हो जाएगा आपका 2a², यहां रहेगा 1 - a² + b² और यहां हो जाएगा आपका 2a² और यहां आपका हो जाएगा 2 - 2 और ये हो जाएगा जो भी है वही रहेगा, 1 - a² - b². हम यहां आने वाले हैं, मतलब जो आपको ये डिटर्मिनेंट दिख रही है वो यही है ना। लेकिन कैसे, यही तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा के यहाँ कैसे पहुँचते हो, है ना। तो आपको टारगेट पता है अपना कि वहाँ से हमें पहले यहाँ आना है, ठीक है। हाँ, ये इकलौता यही एक रास्ता नहीं है, और भी तरीके इसको करने के हैं, लेकिन जो हम ये कर रहे हैं ये अब हमें तो ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए इसको हटाते हैं, दैट इज ये तो प्रूफ करना है, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, LHS, और अपने पहले टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक बार वो अचीव हो गया उसके बाद हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा, हम लोग देखेंगे। खैर, तो देखिए क्या करना है, यहां पे ए है, सबसे पहले यहां बी स्क्वायर बनाना है ना। तो यहां पे बी है, बी है, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं रो आर वन में, तो आर वन ट्रांसफॉर्म किया जाता है बी टाइम्स आर वन, तो आपका क्या हो जाएगा, चूंकि रो किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, ताकि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो। तो हमने बी से डिवाइड कर दिया क्योंकि रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज बी टाइम्स, अंदर मत मल्टीप्लाई करिएगा, बाद में उसे कॉमन ही करना है, तो हम लोग अंदर क्यों मल्टीप्लाई करें, तो 2ab² और यहां हो गया माइनस का आपका 2b², ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा अचीव कर रहे हैं हम लोग, फिर यहां क्या करना है, r2 से हमें a² चाहिए, तो a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए टाइम्स आर टू क्या हो जाएगा आपका, 2a² b, ए टाइम्स 1 - a² + b² और 2a², फिर आपका क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा है ना, -2a और 1 - a² - b², ठीक है। अब देखिए, एक पल दूर है आप, है ना, एक स्टेप सोचिए, यहां मुझे b नहीं चाहिए, देखिए तो यहां भी नहीं चाहिए और यहां भी नहीं चाहिए, तो क्या किया जाए, कॉमन कर लेते हैं, और कॉमन करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखते हैं, C1 कॉलम में डिवाइड करना है 1/b से, ठीक है, C1, और C2 से क्या नहीं चाहिए आपको, A नहीं चाहिए, तो A से डिवाइड कर दीजिए, तो C2 ट्रांसफॉर्म हो गया 1/a × C2, व्हाट्स यू गेट, ये डिवाइड करेंगे, हटाएंगे यहाँ से, तो 1 - a² - b² आएगा, यहाँ से 2a² आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, आपकी वही आ जाएगी, और बाहर क्या हो जाएगा, चूंकि आपने डिवाइड किया है यहां पे, तो यहां आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए पहले से था है ना, तो ए बी, अब यहां पे क्या करेंगे, ए बी अपॉन ए बी, और ये कट के 1 आ जाएगा, आपकी अचीव हो गई है ना, सिंपल। अब यहां के बाद क्या, यहां के बाद बड़ा सिंपल है, देखिए ये आप 1 + a² + b² कर सकते हो, बशर्ते ये वाला कॉलम लाके ऐड कर दो, अगर ये वाला कॉलम लाके ऐड कर देते हो तो -b² + 2b² प्लस का b² हो जाएगा, ये लाके ऐड करते हो यहाँ पे तो 2a² - a² + a² बन जाएगा, और ये फिर 1 + a² + b² और यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा है ना। वही काम इस कॉलम को यहाँ लाके ऐड कर दो आप, यू गेट द सेम रिजल्ट, तो दोनों कॉलम से 1 + a² + b² कॉमन हो जाएगा, तो दो ब्रैकेट तो आपके अचीव हो जाएगी इसी ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं हम लोग, तो C1 ट्रांसफॉर्म हो रहा है C1 + C2, और C2 क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो C2 ट्रांसफॉर्म हो गया आपका C2 + C3,
क्या अचीव किया आपने, ट्रांसफॉर्मेशन लिखा करिए, नंबर इसी पे मिलते हैं आपको बोर्ड में, नहीं लिखेंगे आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी आपका हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया आपका 0, और फिर उधर से ऐड करेंगे दैट इज 0, ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी आपका 1 प्लस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आके ऐड होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ लग रहा होगा काम गड़बड़ हो गया, कोई काम गड़बड़ नहीं हुआ है, माइनस कॉमन कर लीजिए, है ना। चलिए आपके लिए लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो अंदर फिर आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो था चूँकि ये तो ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं है तो हमें वही कॉपी करना पड़ेगा, और फिर हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब साफ साफ दिख रहा है कि C1 कॉलम से कॉमन हो रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट आपकी मिल गई, फिर C2 कॉलम से भी कॉमन हो रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट मिल गई, फिर एक ब्रैकेट की और तलाश रहेगी, है ना। चलिए तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, C1 को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कॉमन करना या डिवाइड करना बात बराबर है, ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इसी तरह से C2 को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C2। अच्छा, रिजल्ट यहाँ लिखते हैं, है ना। रिजल्ट जब यहाँ लिखेंगे तो आपकी जो डिटर्मिनेंट दिखेगी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या हो जाएगी, इट बिकम यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका भी 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, और ये तो ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, माइनस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर और क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और बाहर आपको फायदा हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, काश एक ब्रैकेट दूर है हम लोग, है ना, तो बड़ा आसान है, इसके बाद एक ब्रैकेट और, या तो एक्सपेंड कर दीजिए, दिमाग पे लोड नहीं लेना चाहते हैं तो, हम तो लेना चाहते हैं, है ना, क्या कर लें, कुछ और जीरो बना लें हम, तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इस 1 को इस्तेमाल करके यहाँ 0 बना सकते हैं, ठीक है, क्या करें, सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है, या फिर और सोचिए आप कुछ और कर सकते हैं, तीनों को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस का है, ठीक है, अच्छा इसमें माइनस 1 का ऐड करके हम सबट्रैक्ट यहाँ पे वो कर दें, ठीक है, तो माइनस ये 2b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और 2a स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर कर देगा, है ना, तो ये मुझे दिख रहा है, तो आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करें, हम करना चाहते हैं R1 ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कैसे R1 ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं R1, ठीक है, और R1 और क्या लाना चाहते हैं, हम ये लाके यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं लेकिन यहाँ माइनस होना चाहिए, तो इसमें माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो R1 तो रहेगा रहेगा प्लस R2, ठीक है, और माइनस टाइम्स क्या लिख दे, R3 लिख दे, R3 को जब माइनस करोगे आप तो माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, लाना क्या चाहते हैं हम लोग ये देख लीजिए, तो इसका माइनस कर दें तो माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अब इसको ला के आप यहाँ पे ऐड कर दे रहे हो तो ये होना चाहिए आपका से 2b स्क्वायर है माइनस का, ठीक, और इसमें भी माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, अब देखिए क्या हो रहा है, ये माइनस बी स्क्वायर हो जा रहा है और ये माइनस ए स्क्वायर हो जा रहा है ना, और फिर माइनस 1 है ये, फिर माइनस कॉमन करके जो यहाँ पे आपका काम हुआ था वही काम हो रहा है, ठीक है, तो क्या कर लें हम लोग R1 R2 को भी माइनस कर लें। अच्छा, ये ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, है ना, एक काम और कर सकते हैं आप कि यहाँ 0 बना के एक्सपेंड कर दीजिए, 0 कैसे बनाएंगे हम लोग, R2 गिव्स R2 माइनस R1, तो वो भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा, ठीक है, खैर हम अब ये कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो पहली रो हो जाएगी इट बिकम मतलब माइनस आर टू मतलब माइनस 1 माइनस R3 0 ही है तो माइनस 1 आके यहाँ ऐड होगा इट बिकम 0, है ना, फिर माइनस R2 मतलब माइनस 1 हो गया और ये प्लस 1 हो गया
आके ऐड करेंगे यहाँ पे, ये जीरो ही हो जाएगा। माइनस आर टू मतलब माइनस टू ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस मतलब ये वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका, यही वाला लिखा है हमने, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस वन और माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। माइनस यहाँ से कॉमन करके लिख देते हैं, यहाँ वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और बाकी तो ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं, वैसे लिख देते हैं, तो वन वन टू ए स्क्वायर, फिर क्या हो गया आपका, जीरो माइनस वन और वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब दिख रहा है कि इस रो से कॉमन हो रहा है ना, क्या जीरो तो कुछ भी दे देता है, ये भी कुछ दे देगा, तो हमें वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा दें हम, आर वन वन बाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स आर वन, क्या रिजल्ट हो जाएगा। तो नीचे बाहर आपका काम तो बन गया, दो पहले से आपके पास ब्रैकेट थी डिजायर, अब तीसरी भी आ गई कॉमन करने के बाद, है ना, तो अब यहाँ क्या बच जाएगा आपका, जीरो जीरो और यहाँ माइनस वन, फिर क्या हो जाएगा आपका, वन वन टू ए स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आपका, जीरो माइनस वन वन माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ नहीं है, एक रो में हम मैक्सिमम जीरो पा चुके हैं, बस अब एक्सपेंड कर दें अलॉन्ग, अब इधर इससे कर सकते हैं, इसमें भी दो जीरो, इसमें भी दो जीरो, कैसे भी कर दीजिए ना, तो हम आर वन के अलॉन्ग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग से आर वन, तो क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, है ना, माइनस वन टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, और ये माइनस वन टाइम्स ये रो, ये कॉलम बंद, ये रो बंद, क्या जाएगा, वन जीरो वन माइनस वन, क्या जाएगा आपका यहाँ से, दैट कम्स आउट टू बी माइनस वन इंटू जीरो, माइनस वन आएगा, और ये माइनस वन, इसकी वैल्यू माइनस वन और ये माइनस वन, प्लस वन हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, और बचना भी चाहिए, वही प्रूफ करना था, है ना, तो वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, दैट इज योर फाइनल आंसर।